बारह भावों में जो कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो व्यक्ति को जीवन भर किसी ना किसी तरह से प्रभावित तो करते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। आत्म नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको बता रही हूँ कि कुंडली में अगर खराब ग्रह चल रहे हैं तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, ग्रह कौन सा ग्रह खराब रहेगा तो क्या लक्षण होते हैं और उसके क्या उपाय होंगे, ये मैं आपको इस सीरीज में 9 ही ग्रहों के लिए मैं जो है ये सीरीज बना रही हूँ और मैं आपको इसमें पूरा पूरा समझाने वाली हूँ कि लक्षण क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं और उसके उपाय क्या करना चाहिए। तो ग्रहों में सबसे पहला जो ग्रह आता है वो है भगवान सूर्य नारायण। उन्हें सभी ग्रहों का राजा माना गया है। केवल सूर्य नारायण की आराधना करने से ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कहा जाता है कि सारे ही 9 जो ग्रह है वो अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। अगर कोई ग्रह खराब भी है तो उसके परिणाम आपको इतने भुगतने नहीं पड़ते हैं। लेकिन अगर कुंडली में मान लीजिए सूर्य अगर खराब स्थिति में है, सूर्य अगर कमजोर स्थिति में है, तो कैसे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर किसी के कुंडली में सूर्य खराब है तो उस व्यक्ति की अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनेगी। वो पिता के विरोध में रहेंगे और पिता के साथ हमेशा अनबन रहेगी और उस व्यक्ति के पिता के जीवन में बहुत संघर्ष रहता है। सूर्य ग्रह खराब होने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में बहुत कमी आती है। सामाजिक तौर पे उनका जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा ये कम हो जाती है। उनके ऊपर गलत एलिगेशंस लगते हैं, उनके ऊपर मानहानि के दावे भी होते हैं बहुत जगह से। उन्हें हृदय रोगों का सामना करना पड़ सकता है, हड्डी से संबंधित परेशानियां उनको होती हैं और नेत्र रोग, चर्म रोग और पित्त की समस्या ये होती है। और जो है ना उनको क्या कहते हैं, हड्डी का रोग यानी वात, अर्थराइटिस, ये सारे इश्यूज होने लगते हैं। तो इसके उपाय क्या है? इसका उपाय बहुत सरल है। रोज सुबह स्नान करके भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़, थोड़ा कुमकुम और लाल पुष्प ये डाल के आप उन्हें अर्घ दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, ये सबसे सरल और बिना किसी खर्चे वाला उपाय है, ये आप कर लीजिए। उसके बाद आप सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं। वो क्या है? गेहूँ। रविवार के दिन ये दान करना है। गेहूं आप दान कर सकते हैं, आप गुड़ भी दान कर सकते हैं, आप कांसे का बर्तन, तांबा का बर्तन, और अगर आप आर्थिक तौर पे अगर सक्षम है तो आप माणिक भी किसी को धारण करने के लिए आप खुद खरीद के उन्हें दे सकते हैं, वो भी एक दान के अंतर्गत आता है। ये चीज़ों का आप दान कीजिए। उड़द दाल का आप दान कीजिए, इससे आपका सूर्य प्रबल होगा। और अगर आप अपनी कुंडली दिखा के किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करके आप एक बार उनसे राय लेके माणिक रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। इससे आप देखोगे कि आपके जो सूर्य कमजोर सूर्य है वो प्रबल होने लगेंगे और आपको उसके अच्छे परिणाम दिखेंगे। देखिए दोस्तों, सूर्य जो होते हैं ना वो आत्मा के कारक होते हैं। अगर व्यक्ति का सूर्य कमजोर है तो उसे नाना प्रकार के तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें करोड़पति आदमी भी लखपति हो सकते हैं और लखपति जो है वो और गरीब हो सकते हैं। तो सूर्य को समझना बहुत ज़रूरी है आपके आत्मबल के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए। तो इसे हल्के में ना ले। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे तो मैंने जो भी उपाय बताए वो कीजिए और अपने सूर्य को प्रबल कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। चंद्रमा के लिए देखते रहिएगा। आत्म नमस्ते।